धनेश्वरी के गिरफ्तारी के बाद आया चहल के पास शादी का ऑफर, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बिना समय लेते हो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों मैं आगे आपको बताते चलूँ, चहल और दोस्तों उनकी पत्नी के बीच काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से सुरेश अय्यर को लेकर खबरें चल रहा है, क्योंकि सुरेश अय्यर धनेश्वरी के साथ काफ़ी ज़्यादा अफेयर में है और दोस्तों इनके साथ सोशल मीडिया पर फोटो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसी बीच निकल के आ रही सबसे एक बड़ी खबर कि चहल और दोस्तों उनकी पत्नी दोनों तलाक ले सकते हैं और चहल अब शादी दूसरी करते हुए नज़र आ सकते हैं। क्योंकि एक तरफ से स्मृति मंदाना की तरफ से बयान आया है कि अगर धनेश्वरी जाना चाहती है चहल की ज़िंदगी से तो जा सकती है और मैं शादी करूंगा दोस्तों चहल से, क्योंकि दोनों हम लोग एक ही फील्ड में आते हैं तो हम लोग दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आएंगे। तो दोस्तों चहल ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आए और हो सकता है कि स्मृति मंदाना के साथ शादी करते हुए नज़र आ सकते हैं। चहल और धनेश्वरी के बीच 2 साल का रिलेशन रहा, लेकिन अब फाइनली रिलेशन टूट चुका है। दोस्तों चहल तोड़ चुके हैं और निकल के आ रही सबसे बड़ी खबर कि सुरेश अय्यर धनेश्वरी के बीच आ चुके हैं और इसी के देखते हुए चहल ने तलाक देने का पूरा मन बना लिया है और बहुत जल्द तलाक देते हुए नज़र आएंगे और दोस्तों स्मृति मंदाना के साथ शादी करते हुए नज़र आएंगे चहल। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे?